हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे जी। तो हमें रिक्वेस्ट आई लास्ट वीक, बेसिकली संडे को, कि तेजस्वी और करण यानी तेज रन पे आप मोमेंट्स पे रिएक्ट करें। तो मोमेंट हम ढूंढते रहे, लेकिन ज़्यादातर बिग बॉस की मिल रही थी, तो हमने कहा चलो यार खैर है, बिग बॉस वाला क्लिप ही लगा देते हैं। तो आइए उस पर रिएक्ट करते हैं हम, और आप हमारे साथ वीडियो को एंजॉय करें। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हियर वी गो, 3 2 1। मेरे सारे प्लान चौपट करने की वो है। क्या है प्लान तेरा, बता मुझे। प्लान था मैं कुछ करना था। बैठ बाउंस। मेरे ख्याल में जीती भी तेजस्वी थी, है ना? मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया बिग बॉस 15 जो था। सोच रहा हूँ इस दफा करें फॉलो। क्या गिफ्ट दिया है भाई ने। इनका वाकई में ही मतलब रिलेशनशिप है, जस्ट बिग बॉस की हद तक था। हमने देखा ना बिग बॉस पे बड़े रिलेशनशिप इस तरह के बनते हैं। तुम्हें क्यों दिखाएं? दो उधर बैठे हुए हैं, दो यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं बिग बॉस 15 में कुछ क्यूट करने वाला था, कपल वाला सिस्टम तो नहीं था? तू छोड़ती मेरे को, तूने मेरा दिन बर्बाद कर देना था। टास्क की भी हो रहा था, उसके बीच में भी ऐसे लड़ना था मेरे से। नहीं लड़ती मैं, अच्छी बच्ची है। अब तू ले ले पहने, ऐसे गले में पहनूं कि हाथ में पहनूं? हाथ तो पहनो। गले में पहनाएगा तो ज्यादा रोमांटिक लगेगा। तो क्या करने वाला था बता? फिल्म डालने वाला था, यूजुअल ये कुछ और करता। क्या करने वाला था? क्योंकि मुझसे मैं बहुत शाय हूँ ना लाइफ में। शाय है तू? उनकी एक तो कैमरे लगे हुए ऊपर से वो बैठी हुई है बेचारों का मोमेंट एंजॉय नहीं करने दे रही है उनको। मेरे को उम्र आगे वो दे रहा होता है, सलाह दे रहा होता है। मेरी बहन को उसमें बैठो, मैंने कहा ये जिंदगी आ गई मेरी कि मुझे उम्र सलाह देगा कि कैसे उम्र रियाज ऐसे पीछे से होता है। व्हाटएवर यू लाइक पंजाबी बोल रहे हैं अभी तक बिग बॉस ने कहा नहीं हिंदी भाषा का प्रयोग करें। मैं लाल हो गया हूं। तो मेरे बेड पे रख दिया। मैंने कहा ये सूट, ये तो एक ही मोमेंट है अभी तक मेरे बर्थडे पे भी और नहीं है ना। शक्ल देख क्यों रहा है? ये देख शक्ल तो नर्वस हो रही है मेरी, शक्ल ये नहीं है तेजा। अब तेरी शक्ल कुछ और मांग लिया जा। बिग बॉस इधर हो गया शुरू काम, अब मेरा भी साथ दिला दो। तो क्या करने वाला था? कुछ तो करता है ना।
रात को भी मैं खुद थोड़ा सा लेट हो गया, कल रात को करना था पर क्या करना था भाई। ओके इसी के साथ वीडियो एंड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये अपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव शेयर करती हैं कि नहीं, लेकिन क्या करें जी, हमें ज़्यादा बिग बॉस के मोमेंट से मिल रहे थे क्योंकि ताज़ा ताज़ा बिग बॉस से ही आए हैं। ताज़ा ताज़ा तो नहीं, साल होने वाले 8-9 महीने तो होने वाले हैं, और थोड़ा बहुत जहाँ नॉलेज मिल रहा है वो यही है कि शायद तेजस्वी नहीं जीता था बिग बॉस 15 का टाइटल, और उमर शायद सेकंड थे, शायद सर्च कर लेते हैं, चलो छोड़ो बात से देखेंगे। तो बाकी ये तो एक ही मोमेंट था यार यहाँ इन्होंने, अच्छा टाइटल में भी ये लिखा हुआ है बेस्ट बेस्ट रोमांटिक मोमेंट, तो अब तक का बेस्ट यही था क्या, पता नहीं शायद। आप बताएं आपका क्या इस पे सीन है, क्या क्या आपकी थॉट्स हैं इस पे, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि शायद इससे ज़्यादा कोई मोमेंट था नहीं इनका बिग बॉस में। आपको पता है कैमरास भी लगे होते हैं तो बड़ा इशू होता है, यू नो प्राइवेसी एंड एवरीथिंग एल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें इस तरह का मज़ीद कंटेंट आप चाहें तो सजेस्ट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे टाइमली उस पर रिएक्ट करने की। और बाकी जनाब तेजस्वी और करण की जो फैन फॉलोइंग है वो हमें गाइड कर सकती है इस बारे में मज़ीद, के अगर मज़ीद इनका कोई कंपाइलेशन वीडियो है तो हमारे साथ शेयर हो, हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।